महामारी के इस दौर में जब देश में कोरोना अपने चरम पर है तो वहीं डॉक्टरों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर डॉक्टर ही साथ छोड़ दें तो मरीज कहाँ जाए। नमस्कार, मैं ऋचा कमल स्वागत करती हूँ आपका कबीर न्यूज में। कोरोना महामारी के इलाज के संकट के बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 14 सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों ने बुधवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया जब जिले में औसतन 100 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों ने डीएम और सीएमओ पर तानाशाही का गंभीर आरोप लगाया है। डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना का ग्राफ हमारे अथक प्रयासों से नीचे गिरा है, दूसरी तरफ दवाइयों और संसाधनों की कमी के चलते तीमारदारों से रोज बवाल होता है। कड़ी मेहनत के बावजूद डीएम रविंद्र कुमार और सीएमओ कैप्टन आशुतोष सिंह की उपेक्षा मिलती है। हम यह उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं चिकित्सकों का आरोप है कि संक्रमण काल में विपरीत परिस्थितियों में काम करने के बावजूद मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के साथ अधिकारी बेवजह कार्रवाई पर दबाव बना रहे हैं। पिछले साल कोरोना काल से ही लगन से स्वास्थ्य सेवाएं व विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित करते आ रहे हैं, संसाधनों की कमी के बीच भी संक्रमित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अफसरों पर बेवजह दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। प्रभारियों में डॉक्टर ब्रजेश ने बताया कि बेवजह दबाव बना मानसिक और वेतन आदि रोककर आर्थिक शोषण किया जा रहा है। पीएमएस संघ के सचिव डॉक्टर संजीव की सीएमओ की वार्ता हुई है। गुरुवार को सीएमओ संघ बैठक में विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं और कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़े कार्य बाधित नहीं होंगे, सिर्फ प्रभारी का कार्य नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है या मरीज की स्थिति गंभीर होती है, वही मरीज की मौत हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कोरोना काल में डॉक्टरों का ऐसे इस्तीफा देना मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। वहीं इस घटना के बाद डीएम और सीएमओ के लापरवाह रवैये पर काफी सवाल उठ रहे हैं।